नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। हिंद किसान में किसान संवाद की इस श्रृंखला में आज हम दो युवा किसानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं शिवम बघेल, जो कि किसान सत्याग्रह चलाते हैं, सिवनी जिले से हैं, मध्य प्रदेश से। और हमारे साथ हैं आशीष पिठिया, जो कि किसान हैं और साथ ही साथ ये स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी हैं और ये गुजरात से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में आज बहुत हलचल रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, तमाम लोगों ने जगह जगह जनसभाएं की। अगर मैं बात करूं तो जगहों की, तो रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, और ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में जो बातें सामने रखी गई उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। मगर उससे पहले दुखद जो घटना घटी है सिंघू बॉर्डर में, संत श्री राम सिंह जी ने जो जिस तरह का किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का दर्द उनसे नहीं देखा गया, और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली एक सुसाइड नोट लिखकर। और इसी को लेकर अब सिंघू बॉर्डर समेत जितने भी तमाम किसान हैं, अब एक तरह से बुरा माहौल हो गया है। और यही बोला जा रहा है, एक बार फिर से दबाव सरकार के ऊपर कि वो इतनी हठधर्मिता क्यों दिखा रही है। बहरहाल, इस सब के बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश की मैं बात करना चाहूंगी, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला कि जो 3 कृषि कानून है इसको लेकर नेता जो है वो पवित्र है, नीति पवित्र है, और जो नियत है वो भी पवित्र है। शिवम, ये बताएं कि किस तरह की ये पवित्रता है कि स्थिति इस हद तक, इस कदर खराब हो गई है कि किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, पारा लगातार लुढ़क रहा है दिल्ली में, और 2 डिग्री के बीच 2 साल, 3 साल, 5 साल से लेकर 85 साल तक के बुजुर्ग यहाँ डटे हुए हैं। जी बताएं, किस तरह की पवित्रता की बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर? जी मैम, थैंक यू। और हिंद किसान के सभी श्रोताओं को नमस्कार। हाँ, जैसे ये पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो पवित्रता तो इनकी इसी पे समझ में आ जाती है कि 20 दिन से इतनी भारी भरकम ठंड में किसान दिल्ली में और आपके दरवाजे पर बैठा है, और फिर भी आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। और उनकी क्या मांगे हैं? कोई अलग से मांगे नहीं है। आपने जो 3 किसान विरोधी कानून जब संसद बंद थी तब लाए, और राज्यसभा में बिना चर्चा करा के जबरदस्ती इसको पास करवा के लाए। तो किसानों की मांग है कि जो 3 किसान विरोधी कानून है उनको रद्द कर दिया जाए। और इसमें 6 दौर की वार्ता हुई है, और इसमें खुद भी 14 गलतियां खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, इसमें 14 गलतियां हुई हैं और हम संशोधन को तैयार हैं। जब 3 एक्ट में 14 गलतियां हों तो वो क्यों बना रहना चाहिए? मगर और सरकार दूसरी ने ये किसानों की किया मांग, है। कृषि मंत्री जी साफ तौर पर ये बोल रहे थे कि जब कुछ अच्छा करना होता है तो कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं। उन्होंने उदाहरण सामने रखे कि चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, देश को बदलने के लिए कठोर निर्णय लेने होते हैं, अपनों के बीच संघर्ष करना पड़ता है। और ये कृषि कानून जो है देश की तस्वीर बदल देंगे और किसानों के लिए क्रांतिकारी होंगे। उन्हें सदियों से जो जंजीर ने जकड़ा हुआ था उससे उनको रिहा कर दिया है। हाँ, मैंने भी सुना कि वो बोल रहे थे ग्वालियर से कि कठोर निर्णय ली है इस सरकार ने, और ये सरकार कठोर निर्णय लेने वाली है। और उनके मुंह से उन्होंने खुद बता दिए, क्योंकि आज बच्चा बच्चा खुद बोल रहा है कि सरकार जो भी कदम लेती है वो सारे फेल होते हैं, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी। और वैसे ही ये इसका भी 3 कानून का भी परिणाम होगा, ये भी बिना परिणाम के ही निकलेंगे। इनसे भी जनता का बस सिर्फ नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। इसमें जनता किसान की बात बात नहीं है। तो आज नरेंद्र जी तोमर जी आशीष, ने मैं भी बोल आपके पास दिया। आना चाहती हूँ। ये बताएं कि इस जो जनसभा को संबोधन कर रहे थे उसमें ये बात भी सामने आई कि देखिए, हमें भारी बहुमत से इस देश के नागरिकों ने जिताया है। 2019 में 303 सीटें दी हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम भलाई के लिए सोचें देश की, और हम उस उनके हित में कड़े फैसले लें। तो आपको लगता है, आप
खेती किसानी वाले परिवार से हैं, आप वेस्टर्न मॉडल्स को भी देख चुके हैं, विदेश में भी काम कर चुके हैं, फिल्म मेकर हैं, स्टॉक मार्केट को भी एनालिसिस फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं, आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से बहुमत मिला है और सरकार उसकी दुआई दे रही है, क्या ये सही है? डेमोक्रेसी में हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। देखिए, पहले तो बहुमत की बात करते हैं तो सीधा सा मामला है कि किस चीज का बहुमत, सिर्फ सीटों का बहुमत या आप देख रहे हैं कि आपको कितने लोगों ने आपको चुना है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कुछ 37% के आसपास एनडीए को वोट मिला है, ठीक है, मतलब 100 में से 37 लोगों ने उनको चूज किया है, बाकी के 64 लोगों ने उसको डिक्लाइन किया है कि भाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर गया? अगर आप, हाँ, आपको 70% मिला होता, 80% मिला होता, तब जाकर के आप कहते कि भाई हमको बहुमत मिला है तो वो एक मान सकते हैं, लेकिन आपको आधे से भी ज्यादा लोगों ने आपको डिक्लाइन किया है कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, और ये बहुमत की बात हो गई। बहुमत की डेफिनेशन ही बदल डाली। खैर, आगे जी बात रखिए। हाँ, तो अब अगर फिर भी आप कह रहे हैं कि कठोर निर्णय, जैसे कि आज की सभा में बोला गया कि कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई राजाशाही में तो नहीं जी रहे, राजाशाही में कठोर निर्णय लिए जाते थे, अभी हम डेमोक्रेसी में है, तो आप जिन लोगों के आपने जो भी निर्णय लिया है उससे सवाल है तो आप उनको समझाइए ना कि भाई ये दिक्कत है, तो कहाँ पर दिक्कत है, आप बात कीजिए उनसे, आप बात तो करते नहीं है। प्रधानमंत्री ने आकर के आज तक आकर के कभी बोला है कि भाई इन बिलों से क्या क्या फायदा होने वाला है, किसानों को कभी समझाया है? यहाँ तो एक तरह से अगर मैं कहूँ, थोड़ी लिबर्टी लूँ, तो कुछ थोड़ा सा गंगा उल्टी बहती नजर आ रही है। पहले कानून बना दिए गए, उसके बाद उनका प्रचार प्रसार और लोगों के पास जन पंचायत करने की बात हो रही है कि लोगों के पास जाके इसके फायदे गिनाएंगे। क्या कभी ऐसा आपने होते देखा है शिवम? और दूसरी बात जो मैंने एक और सुनी, नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे कि अब गेंद किसानों के पाले में है, किसान अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जब वो अपना फैसला देंगे तो हम भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जबकि किसानों ने पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया है कि वो अब पॉइंट वाइज प्रपोजल नहीं देंगे, उसे वो दे चुके हैं, और जो उनकी मांग है वही उनका आखिरी प्रपोजल है, वो संशोधन में विश्वास नहीं करते। जी, जैसे कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमें कठोर निर्णय लेना पड़ता है देश हित के लिए, तो किसानों का सीधा सा कहना है कि आप किसान हित के लिए कोई कठोर नहीं, एक सीधा सा निर्णय ले लीजिए, और वो है एमएसपी गारंटी का, कि हमारी जो 23 फसलें हैं उनके एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, सारी फसलें एमएसपी से कम में ना बिकें, बस ये बड़ा सीधा सा निर्णय लेना है सरकार को। पर इतना सा निर्णय ये बहुमत वाली सरकार ले नहीं पा रही है, तो इसी में समझ में आता है कि ये कितने किसान विरोधी हैं। एक और बात बताइए, ये कांग्रेस को लेकर आज मैंने सब जगह छाया रहा कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, कि फसल बीमा योजना में कमलनाथ सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया, बात करें कर्ज माफी की तो झूठे सर्टिफिकेट्स वितरित किए, वो अलग बात है कि उसमें कितनी सच्चाई है, मगर मैं तो ये बोल रही हूँ कि हमारे सीधे सवाल किसानों की सीधी गुहार किसान से है, जब किसानों की सीधी गुहार सरकार से है, तो जब सरकार से सरकार को आंसर देना है, जवाबदेही देनी है, तो वो पीछे कांग्रेस ने क्या किया या गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या ये जवाब मिल जाएंगे, जवाब कैसे तलाशे जाएंगे? हाँ, बिल्कुल वही बात है कि इस, ठीक है, ये बहुमत में आए सरकार बनाए हैं तो इनमें इनको किसानों के भी वोट मिले हैं, और किसानों ने ये सोच के तो नहीं दिया है कि आप जाके नेहरू जी की बुराई करोगे या पुरानी सरकारों की बुराई करोगे, उनकी खामियां गिनाओगे, इसके लिए तो आपको सत्ता नहीं सौंपी गई है। आपको तो ठीक है ना, उस समय कांग्रेस हमको पसंद नहीं आ रही थी, जनता को पसंद नहीं आ रही थी, किसानों को कांग्रेस पसंद नहीं आई, तो उसने आपको चुना, और आप क्या कर रहे हो, आप जो बिल अब क्या बता रहे हो कि कांग्रेस भी ये बिल लाने वाली थी, 2012 में लाने वाली थी, यही कुछ करने वाली थी, मंडियां कांग्रेस भी खत्म करने वाली थी,
लेकिन तब आपके उनके मैनिफेस्टो को उठाकर बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वन नेशन वन मार्केट की बात की थी, एपीएमसी को पूरी तरह से खत्म करने की बात की थी, एमएसपी व्यवस्था को खत्म करने की बात कही थी। बहरहाल बात यही है कि जब जो सरकार में है जो पार्टी, उसी से वो मुश्किल सवाल किए जाएंगे और उन्हीं के पास अपने ही दायरे में रहकर उसके जवाब होने चाहिए, जवाब तलाशने चाहिए। आशीष आपके पास आना चाहूंगी, ये बताएं कि 2011 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आप गुजरात से आते हैं तो मैं आपसे यह सवाल कर रही हूँ, उन्होंने 2011 में मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देनी जानी चाहिए। अब जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए तो क्या लगता है ये जो उन्होंने जबरदस्त यू टर्न लिया है, इसका आपको क्या लगता है कारण? और दूसरा, जो अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट परस्त जो नीतियां जिसका पूरा माहौल बना हुआ है इस देश में, क्या आपको लग रहा है कुछ दबाव में है मोदी सरकार कि इतना हो हल्ला, इतना विरोध के बावजूद जो एक विश्वास होना चाहिए था किसानों में, उनके सामने आकर बोलना चाहिए था, वो विश्वास वो नहीं दे पा रहे, क्या कारण आप देखते हैं? और इसी से जुड़े आप थोड़ा रोशनी डालें कि स्टॉक मार्केट में भी जो अदानी अंबानी के शेयर्स हैं वो किस तरह से बढ़े हैं जब से ये तीन कृषि कानून आए हैं। जी देखिए, सब मतलब ये बात सीधे तौर पर साबित हो गई है कि जो भी निर्णय लिया गया है वो कॉर्पोरेट्स के दबाव में लिया गया है। अभी मसला यहाँ पर फंसा हुआ है कि काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, काफी सारा मतलब कि आप देखें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है, ये कोई मामूली रकम नहीं है। 1.5 लाख करोड़ मतलब कि आप किसी एक राज्य का बजट होता है, छोटे से राज्य का बजट होता है, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनियां कर चुकी है। तो अभी इसमें देखने वाली बात यह है कि अदानी ने पहले से अपने स्टोरेज बना करके रखे थे, उसने उसमें भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बाद में रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने 2018 की एजीएम में एक बात बोली थी, एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होता है और वो जो कंपनी का सीईओ होता है, एमडी होता है, वो अपने इन्वेस्टर को आने वाले सालों की रणनीति बताते हैं कि हम लोग आने वाले सालों में कैसे काम करने वाले हैं। तो 2018 में मुकेश अंबानी ने ये बोला था कि हम लोग 2022 तक रिलायंस को कर्ज मुक्त कर देंगे। अब देखिए हुआ ये कि रिलायंस राइट इश्यू लेकर के आई, राइट इश्यू लेकर के आई कब, कोरोना के ठीक एक महीने बाद, कोरोना के अप्रैल महीने में रिलायंस का राइट इश्यू आया। 5 शेयर पे 1 शेयर का राइट इश्यू था। रिलायंस का उस टाइम पे शेयर का दाम चल रहा था 1600 रुपए और रिलायंस ने राइट इश्यू लॉन्च किया 1250 रुपए में कि भाई आपके पास 5 शेयर है रिलायंस के, तो आपको हम ऑफर देते हैं कि आप 1 शेयर 1250 में खरीद सकते हैं जिसका दाम अभी मार्केट में चल रहा है 1650 रुपए। राइट इश्यू से रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर से पैसा जमा किया 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन फिर भी रिलायंस इससे कर्ज मुक्त नहीं हो सकता था। तो रिलायंस ने क्या किया कि जियो के स्टेक बेचना शुरू किया। अब देखिए फंडामेंटली मेरे सामने अभी चार्ट खुला हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर। तो रिलायंस भारत में आप टेलीकॉम सेक्टर में आप देखेंगे तो दो कंपनियां अभी लीड कर रही है, रिलायंस जियो और एयरटेल। आइडिया पे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आइडिया भारी कर्ज के नीचे दबी हुई है और लगातार उसकी कोलोब्रेशन की न्यूज आ रही है कि वोडाफोन के साथ कोलोब्रेशन कर लिया, इसके साथ कोलोब्रेशन कर लिया, कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ मामला है। लेकिन जियो को अगर कोई कंपनी टक्कर दे रही है टेलीकॉम में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम की कंपनी कोई हो, तो वो है एयरटेल। तो आप रिलायंस का और जियो का बतौर इन्वेस्टर, मैं खुद इन्वेस्टर हूं, तो मैं अगर एनालिसिस करता हूं तो जियो के मुकाबले एयरटेल 10 गुना अच्छी कंपनी है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट शेयर ये है कि हर 100 यूजर पे 28 यूजर एयरटेल के हैं और 34 यूजर जियो के हैं, ठीक है। और वो भी जियो के, वो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि भाई जियो के यूजर है तो वो थोड़े बहुत जिन्होंने फ्री में लिया होगा वो अभी भी कार्ड एक्टिव होगा, बंद नहीं हुआ होगा किसी का, ठीक है। तो वो 3-4 यूजर का फर्क है, उस लंबा कोई फर्क है नहीं। अब दूसरा ये देखे कि ERPU एक टर्म होता है इन्वेस्टर के लिए, ERPU का मतलब होता है एवरेज रिटर्न पर यूजर। तो जियो का ERPU कितना है, 130 रुपए 60 रुपए, जो कि उन्होंने पिछले ये जो रिलायंस का लेटेस्ट क्वार्टर आया है उसके रिजल्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 130 रुपए 60 पैसे जियो का ERPU है, मतलब कि एक यूजर पे साल में जियो 130 रुपए कमाता है।
जबकि एयरटेल कमाता है 154 रुपए, 154, ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। आप देखिए, अब मैं कोई इन्वेस्टर हूं तो मैं क्यों जियो में इन्वेस्ट करूंगा भाई, जबकि एयरटेल मुझे ज्यादा रिटर्न ला करके दे, तो मैं क्यों जियो में इन्वेस्ट करूंगा। दूसरी बात अगर अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो जो वायरलेस मतलब कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एयरटेल का ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल के मुकाबले अभी तक का जो ग्रोथ हुआ है वो 74.20% का ग्रोथ हुआ है, और जबकि जियो का जो ग्रोथ हुआ है वो 30% का ग्रोथ हुआ है, 34.20% का, ठीक है। तो ये भी एक मतलब एयरटेल अच्छा कर रहा है। तो बतौर इन्वेस्टर अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं एयरटेल में इन्वेस्ट करूंगा, जियो में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जबकि जियो का कोई जियो अभी पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो रिलायंस के अंडर में आती है जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी रिलायंस ने क्या किया कि जियो के स्टेक बेचना शुरू किया। अब स्टेक बेचना शुरू किया तो इसमें भी समझने वाली बात यह है कि जब जब ऑर्डिनेंस लाया गया 5 तारीख को, जब ऑर्डिनेंस अनाउंसमेंट किया गया, उससे पहले रिलायंस कर्ज मुक्त नहीं हुआ था, उससे पहले हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आया था, जैसे कि सिल्वर लेक कंपनी का आया, फेसबुक ने अनाउंस किया था, मुबादला ने अनाउंसमेंट किया था, मुबादला जो कि सऊदी अरब की कंपनी है, ठीक है, तो उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। लेकिन 5 तारीख को जैसे ही ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ, उसी दिन उसके बाद तुरंत बाद दो कंपनियों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट आया, 8 तारीख को आया, और 2 दिन के अंदर जो पिछले दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं आया था उतना इन्वेस्टमेंट 2 दिन में आ गया। उसके बाद में फेसबुक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, कि भाई फेसबुक ने पहले थोड़ा पैसा डाला था फिर जाकर के थोड़ा ज्यादा कर दिया। सिल्वर लेक ने पहले थोड़ा पैसा डाला था, फिर सिल्वर लेक ने अपनी सब्सिडरी कंपनी जो अपनी सिल्वर लेक को इन्वेस्टर कंपनी है उसमें से थोड़ा पैसा उठा करके और ज्यादा डाल के थोड़ा स्टेक और ले लिया। अब बात यहां पर आती है कि ये इसको चलो हम लोग इत्तफाक समझ लेते हैं कि ये इत्तफाक से ये हो गया, चलो एक आध बार इत्तफाक होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 17 तारीख को जब लोकसभा में बिल पेश किया गया तो क्या हुआ कि 17 तारीख से पहले ये ऑर्डिनेंस के बाद में रिलायंस ने सिर्फ एक डील की, वो डील थी फ्यूचर रिटेल को खरीद लिया, यानी कि बिग बाजार को खरीद लिया 24,000 करोड़ रुपए में, और उसके 3-4 दिन बाद उन्होंने उसके कॉपेट जो भी पेटेंट्स थे, जो भी प्रोडक्ट थे, वो पेटेंट्स भी 3,000 करोड़ में खरीद लिए, तो करीब 27,000 करोड़ रुपए का रिलायंस ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद रिलायंस ने ये अनाउंसमेंट किया, अपने इन्वेस्टरों को ये बताया कि हम लोग रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में, जो ये नई कंपनी है फ्यूचर रिटेल खरीदा उसके बाद में जो रिटेल का जो कारोबार करने जा रही है जो कंपनी, तो उसको नाम दिया गया है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। तो उसमें बोला गया कि हम लोग 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ठीक है। तो अब 17 तारीख तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जब तक लोकसभा बिल था तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। 17 तारीख को लोकसभा में ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया गया, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, ठीक है। 17 तारीख को बिल हुआ तो क्या हुआ कि पहला इन्वेस्टमेंट सिल्वर लेक कंपनी का आया। सिल्वर लेक वो कंपनी है जो धीरू भाई के टाइम से रिलायंस में इन्वेस्ट करती आ रही है, और उसको फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस भी बोला है, मतलब रिलायंस के साथ में गाइस से जुड़ी हुई कंपनी है। जब 1982 में शेयर मार्केट में जब रिलायंस को क्रैश करवाया गया था, जैसा कि आपने अभी ये हंसतावर सीरीज में भी होगा, तो बाहर से जो पैसा आया उसमें ये सिल्वर लेक का भी पैसा था, उसने भी इन्वेस्ट किया था, रिलायंस के शेयर को ऊपर लेकर के गए थे, उसको फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस बोला जाता है। सिल्वर लेक ने इन्वेस्टमेंट किया कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये 23 तारीख न्यूज है, 23 तारीख को सिल्वर लेक अनाउंसमेंट का, और रिलायंस ने बीएस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि भाई हमारे पास सिल्वर लेक का 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। अब हुआ ये कि 27 तारीख को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 27 तारीख को हस्ताक्षर के बाद में संडे मंडे आया था, तो कंपनी ने कुछ बताया नहीं बीएससी को, संडे सैटरडे बंद रहे मार्केट। तो पहली तारीख, 30 तारीख और 29 तारीख, 29 और पहली तारीख, ये 3 तारीख में कंपनी में 5 कंपनियों ने इन्वेस्ट किया। आरआरवीए रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में 5 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये 5 कंपनियों का इन्वेस्ट होने के तुरंत बाद किसान संगठनों ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग इसका विरोध करेंगे और ये कानून हटाना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग इसके लिए आंदोलन पड़ेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे। तब जाकर के
अभी भी रिलायंस टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, रिलायंस अभी भी 49,000 करोड़ रुपीस के आसपास रुकी हुई है, वहां से आगे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जबकि अभी 51,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट लाना है, ठीक है, लेकिन वो तब तक आएगा। हिसाब किताब एक दर्शकों को फिर से बता दिया जाए कि 5 जून से लेकर अब तक जो किसान आंदोलन और जो ये पूरे सुर तेज हो रहे हैं किसान संगठनों के, उसका सीधा नाता है स्टॉक मार्केट से और उसका सीधा नाता आपकी थाली से भी है। तो ये जरा जो नाता है इसको समझने की कोशिश की जाए, किसान आंदोलन से जुड़े जो कानून है, किस तरह से स्टॉक मार्केट में रिलायंस के इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और किस तरह से आपकी जो थाली के मुद्दे उसमें से किस तरह से आपकी थाली में जो फूड सिक्योरिटी है, फूड डाइवर्सिटी है, वो भी कहीं ना कहीं गायब होने की स्थिति में बन रही है। जी तो समय की पाबंदी है, 3 मिनट बचे हैं मेरे पास, आप इसको वाइंड अप करें। जो ये आपने जबरदस्त जो कंपैरेटिव चार्ट और जो सामने आपके हैं उसको देखकर जो आपने सामने रखी है, ये मुझे लगता है कि दर्शकों को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि वो अपने तार जो है ना लिंक्स वहां तक, एंटीना के तार वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, एक खास बात ये है कि जब ये कोरोना आया और मार्केट 15 दिन तक लगातार नीचे गिरता गया, ठीक है, रिलायंस का दाम गिरा नीचे गिरा और सबसे लो रिलायंस ने सबसे नीचे 964 पे जाकर टच किया कि रिलायंस का एक का सबसे मतलब ये सबसे कम कीमत 964 रुपए था और रिलायंस ने उसी दाम के आसपास में परिवार ने उस समय 9.5 लाख शेयर खरीदे रिलायंस के, मतलब एसेंट की हिस्सेदारी उसने बढ़ा ली, ठीक है, सब लोगों के 32-32 लाख एक साथ है, उसके बेटे का 32 शेयर है, अंबानी का 32 है, नीता अंबानी 32 है, उसकी बेटी का 32 है, ठीक है, सबका 32-32 लाख कर दिया गया, जिसका कम पड़ रहा था उसका कर दिया। कपिल अभिन का नाम अभी उन लोगों बीएससी को नहीं दिया है उसके पास कितने शेयर है, हालांकि जो भी होंगे पता नहीं कितने, जो भी मसला होगा वो जी। ठीक है, और वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ा ली और इन्वेस्टर साथ वहां पर भी छेतरपिंडी हुई, मतलब वहां पर भी ठगा गया है इन्वेस्टर को कि भाई एक डर फैला करके हमारे से पैसे निकाल लिए और उन्होंने अपना बढ़ा लिया और वही वो बेच रहे अब, तो ये बहुत स्मार्टली गेम खेला गया है, इतना स्मार्टली गेम खेला गया है कि इसमें अगर ये कानून क्या होगा ना कि उन्होंने हिस्सेदारी बेच, किसी से कर्ज नहीं लिया है, अब हिस्सेदारी बेच मतलब कि प्रॉफिट होगा तो भी आपको मिले, लॉस होगा तो आपको भुगतना पड़ेगा, ये रिलायंस ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है, अभी जिस तक पहुंच गया है तो किसी भी कीमत पे इससे पीछे नहीं हटता। चलिए अभी समय की पाबंदी है, आपने जो ये पूरा खेल विस्तार से समझाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये जो भी करवट लेता है तो जो दर्शक हैं वो स्टॉक मार्केट की अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं थी या उस पर पहली नजर नहीं बनाई थी तो अब उस पर भी साथ साथ पहली नजर बनाए क्योंकि दोनों साथ साथ लिंक्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।